मैं प्रिया आपके साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे वकील बनकर आए थे। मारा गया गैंगस्टर कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसे दुर्दांत अपराधी माना जाता था। पिछले साल शामली में भी इसके ऊपर केस दर्ज हुए थे। AK-47 बेचने का आरोप भी संजीव जीवा पर था। मारे गए अपराधी को अपराध की दुनिया में डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। यह मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या के 2 महीने बाद कोर्ट परिसर में यह हत्या हुई। हत्या के बाद एक बार फिर पुलिस सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर वकील के वेश में पहुंचे थे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा गया है कि हत्यारे ने किस तरह घटना को अंजाम दिया। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी में शामली जिला के गांव आदमपुर का रहने वाला था। वह पहले मुन्ना बजरंगी गैंग के लिए काम करता था। बाद में वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करने लगा था। संजीव पर यूपी उत्तराखंड में करीब 50 मुकदमे दर्ज है। संजीव की पत्नी पायल 2017 में मुजफ्फरनगर से रालोद के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।